ओके, गलती से मिस्टेक। देखो अब दिख रहा है। नहीं दिखा अभी भी मेरे को। अब दिखेगा, अब मैंने शेयर की उसी। हाँ दिखता है। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में यस्टरडे हमने क्या क्या हाँ चीजें देखे। टेक्सचर रिसोर्स फॉर्मेट्स देखे, उसके बाद द स्वैप चेन और पेज फ्लिपिंग देखे, और उसके अलावा कॉम देखे। उसके बाद टेक्सचर रिसोर्स फॉर्मेट्स में हमने अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स देखे कि टेक्सचर्स को किन किन फॉर्मेट्स में अप्लाई किया जाता है। नाउ सी, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, दैट इज डेप्थ बफर। व्हाट इज डेप्थ बफर? द डेप्थ बफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेक्सचर दैट डज नॉट कंटेन इमेज डेटा बट रादर डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पिक्सल। तो टेक्सचर हमने कल देखे, उसमें हम लोग क्या स्टोर करते थे? कलर की इंफॉर्मेशन, जो भी इमेज होती थी उसका डेटा हम लोग स्टोर करते थे टेक्सचर्स के अंदर। टेक्सचर क्या है? एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में या फिर एक एरे बनता है, जिसके अंदर हर एक जो एलिमेंट रहेगा वो क्या होल्ड करेगा? हर एक पिक्सल के कलर का डेटा होल्ड करेगा या फिर इमेज से रिलेटेड डेटा होल्ड करेगा, या फिर अगर वो 3D इमेज है तो उसके अलावा हम कैरेक्टर्स का भी डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन डेप्थ बफर में क्या होता है? डेप्थ बफर भी एक टेक्सचर का ही एग्जाम्पल है, बट उसमें इमेज का डेटा स्टोर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उसके अंदर डेप्थ इंफॉर्मेशन शो होती है कि पर्टिकुलर पिक्सेल कितने डेप्थ पे अप्लाई किया गया है या कितने डेप्थ पे प्लेस किया गया है। इसका अगर इजी एग्जाम्पल लो तो नीचे अगर फिगर दिख रही है तो उसमें तुम लोगों को समझ कि डेप्थ क्या है। जो सबसे लास्ट में जो दैट इज जो सिलेंडर तुम लोगों को नजर आ रहा है, सबसे डेप्थ राइट, जो सबसे पीछे है, उसके आगे एक सर्कुलर चीज रखी हुई है, देन एक कोनिकल चीज, देन एक स्पीयर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? एक डेप्थ वैल्यू क्रिएट कर रहा है कि सबसे फार्देस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीयर है, उसके बाद उसके पीछे एक कोन है, देन उसके बाद एक सर्कुलर चीज रखी हुई है, एंड देन लास्ट में जो है वो सिलेंडर रखा हुआ है। तो जो सिलेंडर है ये सबसे ज्यादा डेप्थ में रखा हुआ है। तो डेप्थ बफर क्या होता है? डेप्थ बफर भी एक टेक्सचर का ही एग्जाम्पल है, बट वो इमेज का डेटा स्टोर ना करते हुए वो डेप्थ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एक पर्टिकुलर पिक्सल की, ठीक है। फिर देखो, द पॉसिबल डेप्थ वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0 to 0.0 to 1.0। तो नॉर्मल जो डेप्थ की वैल्यू रहती है, जो रेंज रहती है डेप्थ वैल्यू की, वो कहाँ से वैरी करती है? 0.0 से लेके 1.0 तक, ठीक है। जहाँ पे 0.0 देखो क्या डिनोट करता है, वेर 0.0 डिनोट्स द क्लोजेस्ट एन ऑब्जेक्ट कैन टू बी द व्यूअर। जो सबसे क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट है व्यूअर से, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि स्पीयर जो है वो व्यूअर से सबसे क्लोजेस्ट है, राइट, हमको सबसे पहले वो स्पीयर नजर आ रहा है। तो 0.0 की जो रेंज रहेंगी वो क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट टू व्यूअर दिखाएगा, ठीक है। एंड 1.0 डिनोट्स द फार्देस्ट एन ऑब्जेक्ट कैन बी फ्रॉम द व्यूअर, और 1.0 की रेंज जो रहेगी वो कहाँ पे रहेगी? सबसे फार्देस्ट है वीवर से, जैसे ये एग्जाम्पल में हमको सिलेंडर जो नजर आ रहा है, ठीक है। तो 0.0 की रेंज में 0.0 जो रहेगा वो सबसे क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट वीवर से, और 1.0 जो रहेगा वो सबसे फार्देस्ट ऑब्जेक्ट वीवर से, ठीक है। अब देखो, देर इज अ 1:1 डिस्टेंस बिटवीन ईच एलिमेंट इन द डेड बफर एंड ईच पिक्सल इन द बैक बफर। अब देखो यहाँ पे भी दो बफर्स यूज होते हैं। कल के एग्जाम्पल में मैंने बताई के जो स्वैप चेन वाला एग्जाम्पल देखे, उसमें दो बफर्स रहते हैं, एक फ्रंट बफर रहता है तुम्हारा और एक बैक बफर रहता है। फ्रंट बफर में जो चीजें व्यूअर्स को नजर आती है वो चीजें, वो सीन या फिर वो फ्रेम्स फ्रंट बफर में होते हैं, और बैक बफर में जहाँ पे फ्रेम्स क्रिएट किए जाते हैं, और देन जैसे ही वो फ्रेम क्रिएट होती है हम लोग फ्रेम्स को स्वैप कर देते हैं, बफर्स को स्वैप कर देते हैं, तो बैक बफर फ्रंट बफर बन जाता है, फ्रंट बफर बैक बफर बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल हमने कल देखे, राइट। तो यहाँ पे भी दो बफर्स यूज हो रहे हैं। तो देखो, देर इज अ वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ईच एलिमेंट इन द डेप्थ बफर एंड ईच पिक्सल इन द बैक बफर। तो दो बफर्स यूज हो रहे हैं, दैट इज डेप्थ बफर एंड योर बैक बफर। डेप्थ बफर जो डेप्थ वैल्यू बताएगा, और बैक बफर जहाँ पे नॉर्मली चीजें क्रिएट होंगी, ठीक है। देखो, पिक्सल इन द बैक बफर दैट इज द आई जेथ एलिमेंट इन द बैक बफर करस्पॉन्ड्स टू द आई जेथ एलिमेंट इन द डेप्थ बफर। तो अभी यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंस है या दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में तुम्हारा डेप्थ बफर और बैक बफर के बीच में क्या रिलेशन है? देखो कि डेप्थ बफर का जो आई जेथ बफर आई जेथ एलिमेंट रहेगा, जो भी एलिमेंट रहेगा, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, आई जेथ एलिमेंट जो बैक बफर का रहेगा वो करस्पॉन्ड करेगा तुम्हारे डेप्थ बफर के आई जेथ एलिमेंट के। तो ये करस्पॉन्डेंस है या फिर ये रिलेशन है दोनों बफर्स के बीच में, कि इसका आई एलिमेंट और उसका आई जे एलिमेंट, डेप्थ बफर का और बैक बफर का, दोनों भी एक दूसरे से करस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है।
So if the back buffer had a resolution of 1280 by 1024, there would be 1280 by 1024 depth index. तो क्या correspondence है, देखो क्या relation है कि अगर back buffer का जो resolution है, जो scenes, जो frames तुम लोग back buffer में create कर रहे हो, अगर उसका resolution 1280 by 1024 है, ठीक है, ये resolution size है, या फिर एक तरह से कितना resolution में वो picture दिख रही है, वो चीज है, ठीक है, रेजोल्यूशन इतना है तो उतने एंट्रीज तुम्हारे इमेज में या फिर तुम्हारे ग्राफिक्स में या फिर एनिमेशन में रहेंगे. क्लियर है? तो डेप्थ बफर में उतने एंट्रीज होंगे, कितने? 1280 बाय 1024 रेजोल्यूशन वाले, ठीक है. तो ये करस्पोंडेंस या फिर ये क्या बोल सकते, एक तरह से रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है, तुम्हारा बैक बफर और तुम्हारा डेप्थ बफर. इज इट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक समझा? हाँ समझे. ठीक है, अब देखो फिगर 4.2 शोज अ सिंपल सीन वेयर सम ऑब्जेक्ट्स पार्शियली ऑब्स्क्योर द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड देम इन ऑर्डर फॉर डायरेक्ट 3D टू डिटरमाइन विच पिक्सल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इन फ्रंट ऑफ अनदर, इट यूजेज अ टेक्निक कॉल्ड डेप्थ बफरिंग और जेड बफरिंग. तो देखो यहाँ पे जो पिक्चर का हमने एग्जाम्पल लिए, जो इमेज हमें दिख रही है यहाँ पे, जैसे मैंने बताई कि कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो एक ऑब्जेक्ट के पीछे है, राइट, और तो पार्शियली जो है वो ऑब्सक्योर, दैट इज हिडन है, दैट इज पैर के पीछे जो कोन रखा हुआ है वो पार्शियली हिडन है, मतलब उसका कुछ पोर्शन हमें नजर नहीं आ रहा. उसके अलावा जो कोन के पीछे जो सर्कल है वो भी पार्शियली हिडन है, मतलब उसका कुछ पोर्शन हमें नजर नहीं आ रहा. व्हाई? बिकॉज कोन इज हाइडिंग दैट सर्कल. और उसके अलावा उसके पीछे जो सिलेंडर है वो सर्कल की वजह से थोड़ा सा उसका पार्शियल पार्ट जो है वो हिडन है, ठीक है. तो इन ऑर्डर फॉर डायरेक्ट 3D, अब डायरेक्ट 3D जो इंजन तुम लोग यूज कर रहे हो ये ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो डायरेक्ट 3D कब डिटरमाइन करेगा तुम्हारे पिक्सल्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को, कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके आगे है या कौन सा ऑब्जेक्ट किसके पीछे है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग प्रोसेस या फिर टेक्निक जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ बफरिंग या फिर जेड बफरिंग. डेप्थ बफरिंग या जेड बफरिंग क्या करता है, ये अंडरस्टैंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके पीछे है. जब हम लोग कोई पेंटिंग क्रिएट करते हैं तो पेंटर क्या करता है, इस तरह से पेंटिंग को क्रिएट करता है कि पीछे के ऑब्जेक्ट्स पीछे ही नजर आने चाहिए, राइट, और फ्रंट के ऑब्जेक्ट्स ऐसा लगना चाहिए कि वो फ्रंट में प्लेस किए गए हैं. तो सिमिलरली उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए डेप्थ बफरिंग या फिर जेड बफरिंग का यूज किया जाता है. हम लोग हमारे ह्यूमन आई से ये जज कर सकते हैं, बट इन ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड दैट, फॉर GPU टू अंडरस्टैंड दैट, जो टेक्निक यूज की जाती है वो डेप्थ बफरिंग या फिर जेड बफरिंग होती है. लेट अस एम्फसाइज दैट विद डेप्थ बफरिंग द ऑर्डर इन विच वी ड्रॉ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मैटर. To illustrate how depth buffering works, let us look at an example. Consider figure 4.3, which shows the volume the viewer sees and the 2D side view of the volume from the figure. We observe that three different pixels compete to be rendered onto the pixel P. देखो एक फिगर है जो शायद यहाँ पे मैंने नहीं लगाई हूँ, ये वाली फिगर है. ओके, देखो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, दिखा रहा है कि एक व्यू विंडो है और दूसरी एक व्यू विंडो दी हुई है. यहाँ पे व्यूअर को क्या नजर आ रहा है और वही सीन का एक 2D साइड व्यू बताया गया है. तो फर्स्ट फिगर जो ऊपर का व्यू विंडो है उसमें देखो आई बताई हुई, दैट इज ह्यूमन आई. फिर उसके बाद ह्यूमन आई को क्या नजर आ रहा है, तो देखो एक रेक्टेंगुलर जैसी चीज है, ठीक है, जहां से पॉइंट पी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. फिर उसके पीछे एक सर्कल रखा हुआ है, एक स्पीयर रखा हुआ है, दैट इज पॉइंट P1, ठीक है. उसके पीछे कोन रखा हुआ है, दैट इज पॉइंट P2, और उसके पीछे लास्ट में सिलेंडर रखा हुआ है. जो ऊपर वाली इमेज देखे वही इमेज यहाँ पे क्रिएट की गई है, बट ह्यूमन आई को किस तरह से नजर आ रही है वो व्यू यहाँ पे दिखाया हुआ है. सेम सीन को अगर हम लोग 2D साइड व्यू से देखे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे रखी हुई है, तो हम लोगों को सीन कुछ इस तरह से नजर आएगा. देखो स्पीयर भी पूरा कंप्लीटली नजर आ रहा है, कोन भी हमें पूरी कंप्लीटली नजर आ रही है, उसी तरह से जो सिलेंडर है वो भी पूरा कंप्लीटली नजर हमें आ रहा है. तो एक 2D साइड व्यू दिया हुआ है, किस व्यू का, जो हमें यूजर्स को एज अ व्यूअर हमें नजर आता है उस सीन का, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो पार्शियली हिडन ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं दोज आर नॉट हिडन, दोज कैन एक्चुअली बी सीन व्हेन वी सी दैट व्यू इन अ 2D साइड व्यू पोर्शन, ठीक है. उसके बाद देखो
From the figure, we observe that the three different pixels compete to be rendered onto the pixel P on the view window. Of course, we know the closest pixel should be rendered to P because it obscures the ones behind it, but the computer does not. First, before any rendering takes place, the back buffer is cleared to the default color, like black or white, and the depth buffer is cleared to the default value, usually 1.0, the farthest depth value have a pixel. वैल्यू अ पिक्सल कैन हैव. देखो अब इनको जज करना है, जो व्यू अभी जस्ट हमने देखे, अगर उसको जज करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट फार्देस्ट है, दैट मीन्स इस पर अगर डेप्थ बफरिंग तुम लोगों को अप्लाई करनी है तो क्या प्रोसेस रहेगा. देखो उन लोगों ने बोले है, फर्स्ट जो भी रेंडरिंग तुम लोग करोगे उसके पहले जो भी तुम्हारा डेप्थ बफर रहेगा उसको क्लीन करना पड़ेगा. डेप्थ बफरिंग परफॉर्म करने से पहले जो पहले के वैल्यूज है डेप्थ बफर में स्टोर्ड उनको क्लीन कर दो. मतलब बाय डिफॉल्ट सारे वैल्यूज जो हो जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट बिफोर एनी रेंडरिंग टेक्स प्लेस द बैक बफर इज क्लियर टू द डिफॉल्ट कलर. जो डिफॉल्ट कलर रहेगा उस पर क्लियर कर दो. डैट मीन्स कोई भी अलग कलर उसमें स्टोर नहीं रहना चाहिए. तो डिफॉल्ट कलर क्या रहता है उसका, ब्लैक या फिर व्हाइट. तो डेप्थ बफर को हम लोग डिफॉल्ट कलर पे लेकर आते हैं, दैट इज ब्लैक और व्हाइट, और उसी के साथ उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की जाती है. तो डिफॉल्ट वैल्यू यूजुअली उसकी होती है 1.0. ठीक है, 1.0 पे हम लोग उसको लेकर आए. द फार्देस्ट डेप्थ वैल्यू अ पिक्सल कैन हैव. तो 1.0 क्या थी, एक फार्देस्ट वैल्यू थी जो डेप्थ बफर हो सकता है. मतलब इतने वैल्यू पे फार्देस्ट ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा सकता है. जस्ट ऊपर ये रेंज हमने देखे, राइट. तो इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ बफरिंग का इनिशियल स्टेज, जहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर किसी इमेज पे या किसी सीन पे डेप्थ बफर अप्लाई कर रहे हो या डेप्थ बफरिंग की टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, जो भी कलर था डेप्थ बफर का उसको बाय डिफॉल्ट ब्लैक या व्हाइट पे ले आएगा. दैट इज इट्स डिफॉल्ट कलर, और उसी के साथ उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट हो जाएगी, दैट इज 1.0. ठीक है. नाउ सपोज दैट द ऑब्जेक्ट्स आर रेंडर्ड इन ऑर्डर ऑफ द सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन. द फॉलोइंग टेबल समराइजेस हाउ द पिक्सल पी एंड इट्स करस्पॉन्डिंग डेप्थ वैल्यू डी आर अपडेटेड एज द ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन. अ सिमिलर प्रोसेस हैपेंस फॉर द अदर पिक्सल्स. अब उन्होंने कंसिडर क्या किए है कि हम लोग जो रेंडरिंग कर रहे या फिर जो डेप्थ बफरिंग हम लोग परफॉर्म कर रहे वो फार्देस्ट टू क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट पे कर रहे. दैट मीन्स सबसे पहले किसको जज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट सबसे फार्देस्ट है. देन उसके बाद क्या है, देन क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है उसको जज करेंगे. तो किस तरह से एक टेबल उन लोगों ने बनाए हैं जो समराइज कर रहा है कि किस तरह से डेप्थ बफरिंग परफॉर्म होगी. तो देखो चार कॉलम्स दिए हुए हैं, ऑपरेशन, पॉइंट, ठीक है, डेप्थ बफर की वैल्यू और डिस्क्रिप्शन. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है क्लियर ऑपरेशन, जो मैंने स्टेज वन दिखाई, कि जब भी तुम लोग डेप्थ बफरिंग अप्लाई करोगे या फिर डेप्थ बफरिंग को इनिशियलाइज करोगे तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि उसकी कलर को बाय डिफॉल्ट कलर पे लेकर आओ, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट. यहाँ पे ब्लैक पे लाया गया है. फर्स्ट सेकेंड रो को देखो, जो फर्स्ट वैल्यू दिख रही है तुम लोगों को, ठीक है. उसके बाद उसके जो डेप्थ वैल्यू रहेगी उसको भी बाय डिफॉल्ट जो डेप्थ वैल्यू रहती है उस पे लेकर आओ. तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी वो 1.0 रहेगी. वाई 1.0, क्योंकि हम लोग फार्देस्ट से क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट पे आ रहे. अगर तुम लोग क्लोजेस्ट से फार्देस्ट ऑब्जेक्ट पे जाते तो यहाँ पे वैल्यू 0.0 सेट होती, राइट, बिकॉज दैट इज द वैल्यू, दैट इज द रेंज ऑफ क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट इन अ डेप्थ बफर. बट यहाँ पे हम लोग उल्टे पोजिशन में आ रहे, रिवर्स पोजिशन में आ रहे, दैट इज फार्देस्ट टू क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट. तो फार्देस्ट ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.0. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी जो वैल्यू रहेगी वो सेट हो जाएगी 1.0. डिस्क्रिप्शन देखो क्या दिया हुआ है, पिक्सल एंड करस्पॉन्डिंग डेप्थ एंट्री इनिशियलाइज. तो जो भी पिक्सल कलर था वो एज वेल एज जो डेप्थ एंट्री थी उसको इनिशियलाइज किए. तो ये फर्स्ट स्टेप थी डेप्थ बफर की. उसके बाद अब हमें जो सबसे फार्देस्ट ऑब्जेक्ट है वो रेंडर करना है. तो वो क्या था, सिलेंडर था. तो ड्रॉ सिलेंडर ऑप्शन, तुम्हारा ऑपरेशन क्या रहेगा यहाँ पे, क्या ड्रॉ करोगे तुम लोग, पहले सिलेंडर को ड्रॉ करोगे, रेंडर करोगे. उसका पॉइंट क्या दिया हुआ था वहां पे, P3 दिया हुआ था. तो जो पॉइंट है वो यहाँ पे लिखो P3. उसकी डेप्थ वैल्यू कितनी दी हुई थी, D3 दी हुई थी. अब देखो डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, सिंस D3 इज लेस देन और इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 1.0. ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा D3 है वो लेस देन डी रहेगा. वाई, बिकॉज डी जो है यहाँ पे, डी जिसकी वैल्यू ऊपर 1.0 दी हुई थी डेप्थ बफर की वैल्यू, ठीक है, तो D3 क्या रहेगा, ऑब्वियसली उससे छोटा या उसके इक्वल्स टू रहेगा. लेकिन ऊपर की डी की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.0, दैट इज द फार्देस्ट वैल्यू. तो ऑब्वियसली जो D3 रहेगा, दैट मीन्स जो सिलेंडर का पॉइंट है वो कम रहेगा उससे. तो सिंस D3 इज लेस देन और इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 1.0, द डेप्थ
test passes and we update the buffers by setting p is equals to p3 and d is equals to d3. अब हमें क्या मिला कि जो value है d3 की वो less than d है, right? तो ये क्या होगा, depth buffer के test को success करेगा. अगर ज्यादा होती मतलब क्या, जो आगे वाला object है point p3 है वो cylinder के भी farthest था, but ऐसा नहीं हुआ. क्या हमने देखे कि वो less than या equal to d है. इससे क्या होगा, जो तुम्हारा first depth टेस्ट रहेगा वो पास हो जाएगा और हम लोग बफर्स को अपडेट करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट पे आएंगे, दैट इज सेकंड शेप पे आएंगे. तो सेकंड शेप क्या था, उसके बाद स्पीयर था. फिर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, स्पीयर ड्रॉ करेंगे. स्पीयर का पॉइंट कितना था, P1 था, राइट. उसके अलावा उसकी वैल्यू कितनी थी, D1 थी. अब देखो इन्होंने उल्टी पोजिशन में ये लिए है, क्यों, क्योंकि एक देखो नीचे नीचे आ जाओ, सिलेंडर, सिलेंडर के बाद देखो कोन आनी चाहिए, कोन नहीं आई. डायरेक्टली हमने क्या लिए है, स्पीयर लिए है. तो अभी तुम लोगों को समझ में आएगा. देखो उसकी वैल्यू कितनी थी, P1 और D1. तुम लोग सिर्फ पोजीशन को सेट मत करो या फिर पोजीशन वाइज मत जाओ, तुम लोग उनके पॉइंट वाइज जाओ. देखो नीचे यहाँ पे जो P1 की वैल्यू दिख रही है, दैट इज योर स्पीयर, राइट. और उसी के साथ D1 अप्लाई किया हुआ है, तो D1 जो है वो डेप्थ वैल्यू है किसकी, स्पीयर की. फिगर में तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा. तो डिस्क्रिप्शन देखो क्या दिया हुआ है, Since D1 is less than or equals to D. अब जो D1 रहेगा वो भी less than or equals to किसके किसके रहेगा, D से less than रहेगा, right? तो उसकी value कितनी थी, D की 1.0 थी, is equals to D3. अब हम लोग जज कर रहे हैं यहाँ पे D is equals to D3. देखो यहाँ पे जो D3 दिया हुआ है, the depth test passes and we update the buffers. तो obviously हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो स्पीयर है वो क्लोजेस्ट है, किससे क्लोजेस्ट है, सिलेंडर से आगे है. तो अगेन जो डेप्थ टेस्ट रहेगा वो पास हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, बफर्स को अपडेट करेंगे. सिमिलर वे में कोन का भी होगा, कोन की वैल्यू कितनी दी हुई है, वहां पे देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है. अगेन P1 D1 उन लोगों ने दिए, तो वहां पे कोन का P2 D2 कर लो. तो कोन की वैल्यू कितनी रहेगी, पॉइंट P2, और डेप्थ वैल्यू उसकी कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, D2 रहेगी. उसी के साथ अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे अब जो D2 है वो ग्रेटर देन D है, दैट इज ग्रेटर देन D1. मतलब क्या, कोन जो है वो स्पीयर के पहले आ रहा है. हमने क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में लिए, इसीलिए अब यहाँ पे ये डेप्थ टेस्ट जो रहेगा ये फेल हो जाएगा. वाई, बिकॉज पहले कोन को ना ले, हमने पहले किसको लिए, स्पीयर की वैल्यू को लिए. तो स्पीयर का टेस्ट तो पास हो गया. वाई, बिकॉज जो स्पीयर का पॉइंट है वो सिलेंडर से आगे है, इसीलिए स्पीयर का जो पॉइंट था वो, या फिर टेस्ट था वो पास हुआ. लेकिन फिर स्पीयर के बाद हमने क्या लिए, कोन को. लेकिन कोन जो है ये स्पीयर के पहले आ रहा था, इसीलिए उसका डेप्थ टेस्ट जो रहेगा वो फेल हो जाएगा. वाई, बिकॉज डी टू इज ग्रेटर देन डी वन, राइट. स्पीयर के पॉइंट से स्पीयर की जो डेप्थ वैल्यू है उससे कोन की जो डेप्थ वैल्यू रहेगी वो ज्यादा रहेगी, इसीलिए अब जो डेप्थ टेस्ट रहेगा वो फेल हो जाएगा और कोई भी बफर अपडेट नहीं होगा. यहाँ पे डेप्थ बफरिंग का जो टेक्निक या फिर जो रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है. तो ये समझ में आया. समरी में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला स्टेप रहेगा तुम लोगों का कि डेप्थ बफर को क्लियर करो डिफॉल्ट पिक्सल कलर एंड डिफॉल्ट वैल्यू पे, दैट इज ब्लैक एंड 1.0. फिर उसके बाद जो सबसे फार्देस्ट ऑब्जेक्ट है 1.0 इसीलिए लिए क्योंकि हम लोग फार्देस्ट टू क्लोजेस्ट आ रहे. फिर 1.0 को सेट करने के बाद जो फार्देस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ड्रॉ करो, दैट इज सबसे फार्देस्ट क्या था, सिलेंडर. सिलेंडर का पॉइंट था P3 और डेप्थ वैल्यू थी D3. अब यहाँ पे हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि जो D3 है वो लेस देन और इक्वल्स टू D है, दैट इज 1.0. तो ऑब्वियसली 1.0 से D3 की वैल्यू लेस रहेगी, तो डेप्थ टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा और बफर्स अपडेट किए जाएंगे. देन हम लोग कोन पे ना आते हुए हम लोग डायरेक्टली स्पीयर पे गए. तो स्पीयर का पॉइंट था P1 और डेप्थ वैल्यू थी D1. तो D1 भी ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल्स टू D3 है, ठीक है. मतलब क्या, स्पीयर की जो वैल्यू है वो कोन के वैल्यू से कम है. तो यहाँ पे भी ये प्रूव हुआ, इसीलिए डेप्थ टेस्ट जो था वो पास हो गया और बफर्स अपडेट किए गए. देन हम लोग किस पे जा रहे हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कोन पे. जब कोन को ड्रॉ किए, दैट इज P2 और D2, तो यहाँ पे पता चला कि जो कोन की डेप्थ वैल्यू है वो ग्रेटर देन स्पीयर की डेप्थ वैल्यू है. तो यहाँ पे डेप्थ टेस्ट जो था वो फेल हो गया और कोई भी बफर अपडेट नहीं हुए. तो यहाँ पे डेप्थ बफरिंग का जो प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया. ये क्लियर है चीज, समझ में आया इतना. इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है,
Now, देखो, as you can see, we only update the pixel and its corresponding depth value in the depth buffer when we find a pixel with a smaller depth value. हम लोग कब update करेंगे pixels को या फिर उसके depth value को? जब हमको पता है कि वो आगे वाली जो value है वो छोटी है farthest object से. अगर वो बड़ी निकल रही है, then depth value या फिर depth buffer जो है वो fail हो जाएगा. In this way, after all is said and done, the pixel that is closest to the viewer will be the one rendered. You can try switching the drawing order around and working through this example again if you are still not convinced. अब देखो, जो भी पिक्सल तुम लोगों ने रेंडर किए या फिर ड्रॉ किए, तो उसमें सबसे जो फार्देस्ट या सॉरी जो सबसे क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वीवर से, वो फर्स्ट रेंडर किया जाएगा. देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था वो सेकेंडली रेंडर किया जाएगा, और जो फार्देस्ट था वो थर्ड टाइम पर रेंडर किया जाएगा. तो ये सीक्वेंस बनेगी. टू समराइज, डेप्थ बफरिंग वर्क्स बाय कंप्यूटिंग अ डेप्थ वैल्यू फॉर ईच पिक्सल एंड परफॉर्मिंग अ डेप्थ टेस्ट. द डेप्थ टेस्ट कंपेयर्स द डेप्थ ऑफ पिक्सल कंप्यूटिंग टू द सिंपल वे में अगर समझाऊं तो क्या करेगा ये, नॉर्मली तुम्हारे जो डेप्थ वैल्यूज है उनको कंपेयर करेगा. अगर फार्देस्ट ऑब्जेक्ट की डेप्थ वैल्यू जो है वो बड़ी निकल रही है, देन डेप्थ टेस्ट पास्ट हो जाएगा. या फिर अगर क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ वैल्यू है वो फार्देस्ट ऑब्जेक्ट से छोटी है, तभी डेप्थ टेस्ट पास होगा. अगर वो बड़ी निकल रही है तो डेप्थ टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा. तो ये तुम्हारा डेप्थ बफर. अब देखो, डेप्थ बफर के भी कुछ फॉर्मेट्स रहते हैं, नीचे दिखाए गए हैं. जैसे कल टेक्सचर रिसोर्स के फॉर्मेट्स देखे, सेम वे में डेप्थ बफर के फॉर्मेट्स रहते हैं. द डेप्थ बफर इज अ टेक्सचर, सो इट मस्ट बी क्रिएटेड विद सर्टन डेटा फॉर्मेट्स. द फॉर्मेट्स यूज फॉर डेप्थ बफरिंग आर एज फॉलोज. फर्स्ट देखो, DXGI फॉर्मेट D32. डी क्या है यहाँ पे? डेप्थ वैल्यू है. देन फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. एस 8x24. एस जो है वो स्टेंसिल है. और यू इंट, यू बोले तो अनसाइंड इंटीजर, ठीक है? ये फॉर्मेट में स्पेसिफाइज अ 32-bit फ्लोटिंग पॉइंट डेप्थ बफर विथ 8 bits अनसाइंड इंटीजर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 32-bit का फ्लोटिंग पॉइंट डेप्थ बफर दिया हुआ है. मतलब जो वैल्यू रहेगी वो फ्लोटिंग पॉइंट रहेगी डेप्थ बफर की, और जिसमें 8 bits जो दिए हुए वो अनसाइंड इंटीजर के दिए हुए. उसके बाद देखो, रिजर्व्ड फॉर स्टेंसिल बफर मैप टू. अब यहाँ पे स्टेंसिल बफर दिया हुआ है, दैट इज एस 8x24 दिया हुआ था ना, तो स्टेंसिल बफर बोले तो उसकी जो रेंज रहेगी वो कितनी रहेगी, 0 से लेके 255 रेंज रहेगी. और जो 24 bits रहेंगे वो पैडिंग में यूज नहीं होंगे, मतलब जो भी तुम लोग बफरिंग अप्लाई करोगे वहां पे वो यूज नहीं होंगे. मतलब 24 bits रिजर्व रहेंगे, ठीक है? वो यूज में नहीं आएंगे. उसके बाद देखो, सेकेंड फॉर्मेट है DXGI फॉर्मेट D32 फ्लोट. अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डेप्थ बफर की वैल्यू दी हुई है. तो ये रहेगा स्पेसिफाइज अ 32-bit फ्लोटिंग पॉइंट डेप्थ बफर, ठीक है? नॉर्मल है. फिर उसके बाद देखो, DXGI फॉर्मेट D24 यू नॉम एस 8 यू इंट. यहाँ पे क्या है, तुम्हारा डेप्थ की वैल्यू 24 दी हुई है. यू बोले तो अनसाइंड नॉर्म, ठीक है? एस बोले तो स्टेंसिल अगेन, एंड यू इंट बोले तो अनसाइंड इंटीजर. स्पेसिफाइज एन अनसाइंड 24-bit डेप्थ बफर. वाई 24? बिकॉज डेप्थ की वैल्यू 24 दी हुई है, ठीक है? डेप्थ बफर मैप टू वन रेंज. वाई 0 to 1 range? बिकॉज इट इज साइंड सॉरी अनसाइंड इंटीजर. अगेन यहाँ पे एस दिया हुआ है, एस 8 दिया हुआ है. तो यहाँ पे रिजर्व्ड फॉर स्टेंसिल बफर मैप टू 0 से लेकर 255. अगेन यहाँ पे स्टेंसिल बफर दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगेन उसकी जो रेंज रहेगी मैपिंग की वो कितनी रहेगी, 0 से लेकर 255 के बीच में रहेगी. फिर फोर्थ नंबर पे देखो, DXGI फॉर्मेट D16 न्यू नॉम. अब यहाँ पे कितनी वैल्यू दी हुई है डेप्थ बफर की, 16 दी हुई है. तो स्पेसिफाइज एन अनसाइंड. Why unsigned? Because you नाम दिया हुआ है. Unsigned 16-bit depth buffer map to 0 to 1 range, ठीक है? तो ये चार तरह के formats use होते हैं depth buffer को apply करने के लिए, जब भी तुम लोग direct 3D को use करोगे. Is it clear? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है. अब देखो, टेक्सचर रिसोर्स व्यू ये हो जाए तो आज का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. ज़्यादा डीपली नहीं लूँगी, फटाफट देखो एक्सप्लेन करती हूँ. अ टेक्सचर कैन बी बाउंड टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रेंडरिंग पाइपलाइन. अ कॉमन एग्जांपल इज टू यूज अ टेक्सचर एज रेंडर टारगेट, दैट इज डायरेक्ट 3D ड्रॉज इनटू अ टेक्सचर एंड एज अ शेडर रिसोर्स, दैट इज द टेक्सचर विल बी सैम्पल्ड इन अ शेडर. अ टेक्सचर रिसोर्स क्रिएटेड फॉर दिस टू पर्पजेज वुड बी गिवन द बाइंड फ्लैग्स. देखो, दो चीज़ें होती है जब भी तुम लोग टेक्सचर को अप्लाई करते हो. तो टेक्सचर जो है एक रेंडरिंग पाइपलाइन में से गुजरता है. रेंडरिंग पाइपलाइन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. रेंडरिंग पाइपलाइन मैंने प्रीवियस
लेक्चर्स में भी बताई कि रेंडरिंग पाइपलाइन कंसिस्ट करती है बहुत सारे स्टेजेस से, जो स्टेजेस अलग अलग स्टेजेस में जब हमारा ऑब्जेक्ट जाता है या फिर शेप अगर जाता है तो वहाँ पे अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीज़ें उस पर अप्लाई होती है. जैसे किसी स्टेज में शेडिंग अप्लाई होगी, किसी स्टेज में टेक्स्चरिंग अप्लाई होगी, देन किसी स्टेज में उसकी डेप्थ बफरिंग होगी, ठीक है. तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीज़ें उसके ऊपर परफॉर्म की जाती है, तब जाके एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपरली क्रिएट होता है और हमें नज़र आता है. तो जब भी तुम लोग टेक्स्चर रिसोर्स व्यूज को यूज़ करते हो, बोले तो क्या, एक दो तरह के बाइंड फ्लैग्स दिए जाते हैं. दैट इज़ देखो नीचे दिया हुआ है D3D11, दैट इज़ डायरेक्ट 3D 11 बाइंड रेंडर टारगेट, जो टारगेट रहेगा वो फ्लैग, एंड देन उसका शेडर रिसोर्स जहाँ पे शेडिंग अप्लाई होगी वो फ्लैग. तो ये दो तरह के बाइंड फ्लैग्स लगाए जाते हैं, एक तरह से टारगेट लगाया जाता है या उसका वैल्यू सेट किया जाता है, ठीक है. तो ये रहता है तुम्हारा टेक्सचर रिसोर्स व्यूज, जहाँ पे तुम लोगों को तुम्हारा टेक्सचर रिसोर्स नजर आता है. वॉट इज रिसोर्स, जिस रिसोर्स से वो टेक्सचर या फिर वो ऑब्जेक्ट गुजरा है, वो चाहे शेडिंग का रिसोर्स हो, वो चाहे टेक्सचरिंग का रिसोर्स हो, या कोई और रिसोर्स हो जहाँ पे वो स्टेज पे वो चीजें अप्लाई की गई है या कोई पर्टिकुलर एक्शन वहां पे अप्लाई किया गया है. तो दिस इज कॉल्ड एज टेक्सचर रिसोर्स व्यू. Now see, indicating the two pipeline stages, the texture will be bound to actually resources and not directly bound to a pipeline stage. Instead, their associated resource views are bound to different pipeline stages. For each way we are going to use a texture, direct 3D requires that we create a resource view of the texture at initialization time. तो देखो जब भी कोई पाइपलाइन से जो टेक्सचर गुजरता है तो एक्चुअली जो रहता है उसके रिसोर्सेज डायरेक्टली बाउंड नहीं करते, मतलब उसके साथ वो ऑब्जेक्ट के साथ जो एसोसिएटेड रिसोर्स है. जैसे अगर तुम्हारे वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड रिसोर्स शेडिंग वाला दिया हुआ है, तो शेडिंग अप्लाई होने के बाद वो शेडिंग क्या करेगा, पास करेगा, वही रिसोर्स जो रहेगा वो पास करेगा नेक्स्ट रिसोर्स के पास. तो शेडिंग के रिसोर्स ने पास किया सपोज तुम्हारे टेक्सचरिंग के रिसोर्स के पास, तो ये काम किसका है, तुम्हारे एसोसिएटेड रिसोर्सेस का ये काम है. तो इससे पहले जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उससे पहले तुम्हें उस ऑब्जेक्ट का एसोसिएटेड रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा. दैट मीन्स एक सीक्वेंस क्रिएट करनी पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट तुम लोग किस रिसोर्स में प्लेस करने वाले हो, एंड देन उस रिसोर्स के बाद किस रिसोर्स में जाना चाहिए. तो एक पर्टिकुलर पाइपलाइन के जो स्टेजेस है उसमें से वो ऑब्जेक्ट गुजरेगा. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एक एसोसिएटेड रिसोर्स तुम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट का, जो बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्टली तुम लोग किस रिसोर्स में प्लेस करोगे. दिस इज मोस्टली फॉर इफिशियंसी एज द SDK डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट्स आउट. तो ये नॉर्मली किसके लिए यूज हो रहा है, एफिशियंसी के लिए यूज हो रहा है. डायरेक्टली नीचे आओ, देखो लास्ट स्लाइड पे, रिसोर्स व्यूज एसेंशियली डू टू थिंग्स. देखो ये दो काम करता है, जो भी रिसोर्स व्यूज तुम लोग क्रिएट करते हो इनके दो काम रहते हैं. दे टेल डायरेक्ट 3D हाउ द रिसोर्सेज विल बी यूज्ड. फर्स्ट वर्क के वो डायरेक्ट 3D को बताते हैं कि रिसोर्सेज किस तरह से यूज किए जाएंगे. दैट इज वॉट स्टेज ऑफ द पाइपलाइन यू विल बाइंड इट टू, मतलब क्या, कौन से स्टेज पाइपलाइन के कौन से स्टेज पे तुम लोग इसको बाइंड कर रहे हो और किस तरह से उस रिसोर्स को यूज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइंड कर रही हूँ शेडर स्टेज पे, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह से शेडर स्टेज अप्लाई हो रहा है या फिर यूज किया जा रहा है, मतलब क्या वो मेरे ऑब्जेक्ट पे शेडिंग अप्लाई करेगा. एंड इफ द रिसोर्स फॉर्मेट वाज स्पेसिफाइड एट द टाइप प्लेस एट क्रिएशन टाइम, देन वी मस्ट नो स्टेट दैट द टाइप वी व्हेन क्रिएटिंग अ व्यू दस व्हेन टाइप विद टाइपलेस फॉर्मेट्स इट इज पॉसिबल फॉर द एलिमेंट्स ऑफ अ टेक्सचर टू बी व्यूज एज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इन वन पाइपलाइन स्टेज एंड देन इंटीजर्स इन अनदर. तो अगर मैंने ऑलरेडी मेरे रिसोर्स व्यूज को स्टेट करके रखी हूं कि फर्स्ट मेरा रिसोर्स व्यू कहां पे जाएगा या फिर कौन से रिसोर्स पे जाएगा, तो ये इजी होता है बाइंड करने के लिए. लेकिन अगर टाइपलेस फॉर्मेट दिया हुआ है, दैट मींस कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं की हुई है, ठीक है, कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट है, इंटीजर है, या फर्स्टली कौन से रिसोर्स में जाने वाला है, तो इसके टाइम पे हम लोगों को रिसोर्स व्यू क्या करना पड़ता है, खुद से क्रिएट करना पड़ता है. तो यहाँ पे दो चीजें होती है. देखो वहां उन्होंने बताया है कि जो टेक्सचर रहेगा वो या तो एज अ फ्लोटिंग पॉइंट व्यू किया जाएगा एक पाइपलाइन के लिए, एक स्टेज के लिए, और दूसरे स्टेज के लिए वो एज एन इंटीजर व्यू किया जाएगा. तो ये दो इसेंशियल चीजें तुम्हारे रिसोर्स व्यू में होती है. फर्स्ट तो कि वो बताता है डायरेक्ट 3D को कि कौन सा रिसोर्स यूज होने वाला है और किस तरह से रिसोर्स यूज होने वाला है. अगर ये चीज स्पेसिफाई नहीं की गई कि कौन सा रिसोर्स है या फिर कौन से नंबर्स या फिर वैल्यूज दिए हुए, तो हमें रिसोर्स व्यू को खुद से क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ पे जो हमारे पाइपलाइन रहेगी उसमें से जब ऑब्जेक्ट गुजरेगा तो एक स्टेज पे वो एज अ फ्लोटिंग पॉइंट दिखाया जाएगा एंड दूसरे स्टेज पे एज एन इंटीजर वैल्यू दिखाई जाएगी. ठीक है, यहां तक क्लियर है?
फिर देखो, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्पेसिफिक व्यू टू अ रिसोर्स द रिसोर्स मस्ट बी क्रिएटेड विद द स्पेसिफिक बाइंड फ्लैग. तो जब रिसोर्स क्रिएट करोगे तो साथ में उसका बाइंड फ्लैग भी बनाना पड़ेगा. तो बाइंड फ्लैग किस तरह से बनाते हैं, तो देखो यही फॉर्मेट तुम लोग अप्लाई करोगे. D3 D11 बाइंड ये इक्वल रहेगा, डेप्थ ये भी कॉमन रहेगा. आगे क्या करोगे, स्टेंसिल बाइंड फ्लैग. ठीक है, स्टेंसिल बोले तो रिजर्व्ड, विच इंडिकेट्स द टेक्सचर विल बी बाउंड टू अ पाइपलाइन एज अ डेप्थ ऑफ स्टेंसिल बफर. देन वी कैनॉट क्रिएट अ D3 D11 डेप्थ stencil view to that resource. If you try, you should get a direct 3D debug error like the following. तो अगर तुम लोग stencil buffer create कर रहे हो और उसके बाद stencil बोले तो क्या होता है, reserved view होता है जो कि reserve किया गया है. stencil की value ऊपर देखे, right? 24 bits जो रहते हैं वो reserved रहते हैं. तो अगर इसके बाद तुम लोग कोई resource view create करने जाओगे तो तुमको error बताएगा. तो नीचे देखो एक error की line दी हुई है. ये error इतना learn करने की जरूरत नहीं, normally जो error आता है software में वो error दिया हुआ है. D3 D11 error. D3D11 device create depth stencil view. A depth stencil view cannot be created of a resource that did not specify. तो यहाँ पे resource specify नहीं की गई, इसीलिए ये error आया है. तो तुम्हारा resource view रहेगा वो दो initial चीजें करेगा जो essential रहेगा सबसे ज्यादा. firstly तो specify करेगा कौन सा resource use हो रहा है और किस तरह से use हो रहा है. इसके बाद अगर ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं की गई तो रिसोर्स व्यू हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट स्टेज में या फिर जो पहला स्टेज रहेगा उस पर एज अ फ्लोटिंग पॉइंट हमारे डेप्थ वैल्यूज दिखेंगे और सेकंड में वो एज एन इंटीजर हमारे वैल्यूज दिखेंगे. ठीक है, उसके बाद अगर तुम लोग खुद से क्रिएट करते हो कोई रिसोर्स व्यू तो उसका जो बाइंड फ्लैग है वो भी तुम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा साथ में. बाइंड फ्लैग बोले तो किस रिसोर्स से तुम लोग उसको बाइंड करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेंसिल डेप्थ बफर फॉर एग्जांपल क्रिएट करके बताया हुआ है बाइंड फ्लैग का. तो स्टेंसिल बोले तो रिजर्व्ड रहता है. इसके बाद अगर कोई रिसोर्स व्यू बनाने जाओगे तो वो क्या करेगा, एरर वहां पे शो होगा. यहां तक चीजें क्लियर है, डेप्थ बफर और तुम्हारा टेक्सचर रिसोर्स व्यूज. ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है ये वाले चैप्टर के, क्योंकि मैं फेस टू फेस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. अगर कोई चीज वीडियो को फिर से देखो, अगर कोई चीज स्टिल समझ में नहीं आ रही टेकमैक्स में से तो मुझे पूछो. ठीक है, हाँ ठीक, ओके, चलो बाय.